तो ये जो मूवी है ये मूवी ट्रू इवेंट से इंस्पायर है, तो भाई एंड तक देखना तो बनता है। तो इस मूवी में हमें कुछ पढ़ने वाले छात्रों की स्टोरी बताई गई है। अब ये तो आगे पता पड़ेगा वो लोग पढ़ते हैं या क्या करते हैं। हम लोग देखते हैं कि इन छात्रों में दो लड़के ऐसे होते हैं जो कि घर पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें कुछ लड़कियों को बुलाते हैं, वो उनके साथ घपाघप करते हैं और उसकी वीडियो को शूट कर लेते हैं, और वही दोनों ठरकी और हरामी लड़के उन वीडियो को उन वेबसाइट्स पे डाल देते हैं जिसको आप रेट नाइट को VPN ऑन करके गूगल पे देखते हो। ये मूवी सच में ही ट्रू इवेंट से इंस्पायर है। तो आओ यार स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करने वाली बकचोदी जरूरी है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम लोग गैब्रियल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज की तरफ जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम कॉलेज में लाइटिटिया और जॉर्जी नाम की दो दोस्तों को देखते हैं। हमें पता पड़ता है कि लाइटिटिया और जॉर्जी एक नाइट आउट का प्लान बनाते हैं, तो इसीलिए लाइटिटिया अपने फादर से पूछने के लिए जाते हैं कि आज वो बाहर घूम सकती है। तो फादर उसके हाँ कर देते हैं पर कहते हैं 11 बजे से पहले घर आ जाना। इसके बाद लाइटिटिया और जॉर्जी बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग बीच पर आती हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात निकी और एलेक्स नाम के दो दोस्तों से होती है जो कि इन्हीं के कॉलेज के दोस्त थे। अब उन्हीं के साथ हैंग आउट करते करते इन दोनों को रात के 2 बज जाते हैं और जब लाइटिटिया अपने घर पे जाती है तो उसके फादर उसको जोर से थप्पड़ मारते हैं। अब मेरे ओपिनियन में लाइटिटिया के फादर ने उसके साथ बिल्कुल सही किया, क्योंकि हर कोई फादर अपनी डॉटर के लिए पजेसिव होता है। भाई जब अगले बंदे ने उसे 11 बजे आने के लिए कहा कोई नहीं 11:30 बज जाते, पर 2 बजे आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, एटलीस्ट वो इन्फॉर्म तो कर सकती थी ना। चलो छोड़ो इन बाप बेटी की लड़ाई को, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अगले दिन लाइटिटिया और जॉर्जी एलेक्स और निक्की से अपने कॉलेज में मिलते हैं जहां पर ये लोग एलेक्स के घर पे एक पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। अब पार्टी करने से लाइटिटिया पहले तो मना कर रही थी क्योंकि रात को उसके पापा ने उसे खुराक दे दी थी, लेकिन लाइटिटिया के फ्रेंड्स उसे पार्टी करने के लिए मना लेते हैं। इसके बाद जब ये लोग एलेक्स के घर पे पार्टी करने के लिए जाते हैं तब हमें पता पड़ता है कि भाई एलेक्स तो अपने घर पे अकेला रहता है क्योंकि उसके मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया है और उसकी मॉम भी कहीं बाहर रहती है। इसलिए तो मतलब तुम देख रहे हो कि इतना हरामी बच्चा और मॉम डैड के डाइवोर्स का पूरा फायदा उठा रहा है अपने ठरकीपन को लेके। और ये तो कुछ भी नहीं, हम लोग देखते हैं कि जब ये सभी लोग बैठे होते हैं और चिल कर रहे होते हैं तब यहाँ पे एलेक्स अपने लैपटॉप में अडल्ट वाली मूवीज को चला देता है। तो भाई अडल्ट मूवीज देख के किसका मूड नहीं बनेगा। तभी हम देखते हैं कि जॉर्ज और निक्की अपने एक रूम में जाते हैं जहाँ पर वो दो जिस्म और एक जान वाले डायलॉग को सच में रियल कर देते हैं। इसके बाद हम लाइटिटिया और एलेक्स को बाहर देखते हैं। हम देखते हैं कि बाहर बारिश पड़ने लगती है तो लाइटिटिया एलेक्स के साथ अंदर जा रही होती है। तभी वो अपनी दोस्त को यानी कि जॉर्जी दीदी को निक्की के साथ पलंग तोड़ करते हुए देख लेती है, जिसके बाद लाइटिटिया और एलेक्स भी अपने दोस्तों को ज्वाइन कर लेते हैं। यानी कि अब एक ही कमरे में 4-4 बंदर बंदरिया का खेल चल रहा था। अब 2 दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि जॉर्जी निक्की को कॉल करती है क्योंकि भाई इतना सब कुछ हो जाने के बाद उस लड़की से कॉल भी नहीं कर रहा था। अब जब जॉर्जी निक्की से रीजन पूछते हैं तो निक्की भी वही सो कॉल्ड रीजन बताता है कि भाई मेरा फोन खराब हो गया था। अब हम देखते हैं कि आज रात निक्की जॉर्जी को अपने घर पे बुलाता है पार्टी के लिए। अब ये सुनकर एलेक्स भी लाइटिटिया को कॉल कर देता है और ये लोग भी उसके घर पे आ जाते हैं पार्टी करने के लिए। अब भाई रात के समय में एलेक्स फिर से अपने लैपटॉप में वही अडल्ट वाली मूवी चला देता है, जिसके बाद ये लोग फिर से वही सब करते हैं जो उन्होंने उस दिन किया था, यानी कि एक कमरे में 4 बंदर बंदरिया का खेल। अब अगले दिन हम लोग जॉर्जिया को देखते हैं जो कि छुप कर निक्की को देख रही होती है। वो निक्की को कॉल मिलाती है और निक्की कॉल को काट देता है, जहां पर हमें पता पड़ता है कि भाई जॉर्जिया सोचने लगी थी कि निक्की अब उसे इतना सब उसके साथ करने के बाद उसे इग्नोर कर रहा है। और अब तो भाई जॉर्जी को भी लगने लगता है कि निक्की उसके शरीर के साथ खेल रहा था। इसी के बाद अब सीन में एंट्री होती है लाइटिटिया की। लाइटिटिया जब एलेक्स के घर में घुसती है तो देखते हैं भाई एलेक्स ने पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी है और दूर दूर से लड़कियां बुला रखी है। ये सब देखकर जब लाइटिटिया एलेक्स के पास जाती है तो एलेक्स उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश कर रहा होता है। पहले तो ये सब लाइटिटिया को बुरा लगने लगता है पर वो फिर भी मान जाती है और एलेक्स के साथ फिर से वो घपाघप कर बैठती है, क्योंकि दीदी को एलेक्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था और वो अपने आप को उसके साथ सेफ महसूस करती थी, पर उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अब ये दोनों पलंग तोड़ कर ही रहे होते हैं तभी इनके बीच में जॉर्जिया के टपक जाती है। जॉर्जी यहाँ पर लाइटिटिया को प्राइवेट में सब कुछ बताना चाहती थी, पर लेकिन यहाँ पर लाइटिटिया के साथ एलेक्स खड़ा हुआ था इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताती। जॉर्जी लाइटिटिया से कहते हैं कि मेरे साथ मेरे घर चलो, पर वो उसके साथ नहीं आती और उसे वहां से भगा देती है। इसके बाद जॉर्जी लाइटिटिया को कॉल करके बहुत सारी गालियां सुनाती है। तो अब आता है सीन में ट्विस्ट। हम लोग देखते हैं कि भाई एलेक्स और निक्की ने दोनों ने उन सभी लड़कियों के साथ जो उन्होंने घपाघप किया था उन्होंने उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी और वो उसको एक वेबसाइट पे डाल रहे थे, यानी कि अडल्ट वेबसाइट पे। ये दोनों उन वीडियोस को उन वेबसाइट पे डाल के बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे। उन सभी वीडियोस को एडल्ट वेबसाइट पे पब्लिश करने के बाद ये दोनों कल फिर से एक और पार्टी रखते हैं। तो ये था इस मूवी का फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में और भी ज्यादा एक्सट्रीम चीजें होने वाली हैं। तो भाई सेकंड पार्ट में और क्या क्या होने वाला है ये देखने के लिए आप लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, जल्दी से जाके देख लो और मजे लो। तो फिर मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।